चुनाव केवल एक व्यक्ति की के लिए नहीं है, ये चुनाव इस देश के भविष्य का है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ऊर्जावान होने के साथ साथ रचनात्मक भी होते हैं। हम सब ने, कार्यकर्ताओं ने, ये ठाना है कि अब की बार जितने भी हमारे बूथ हैं सभी बूथों पे 90% वोट शेयर का हमने लक्ष्य रखा है। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। मध्य प्रदेश के गंजबा सौदा में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित विधानसभा स्तरीय बैठक में सैकड़ों युवाओं को भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता कार्तिकेय सिंह चौहान ने संबोधित किया। युवाओं को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री विदिशा संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान के बेटे युवा भाजपा नेता कार्तिकेय सिंह चौहान ने कहा कि यह चुनाव देश के भविष्य को तय करेगा। यहाँ बैठे प्रत्येक कार्यकर्ता में सामर्थ्य है कि वह नरेंद्र मोदी व शिवराज सिंह चौहान बन सकता है। किस रूप में युवा नेता के रूप में किस रूप में चुनाव को देखते हैं, ये चुनाव हम किस रूप में जिताकर शिवराज जी को यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते ये चुनाव हमारे लिए हार जीत का विषय नहीं है और ये चुनाव केवल एक व्यक्ति की के लिए नहीं है, ये चुनाव इस देश के भविष्य का है। और अगर देश के भविष्य का सवाल है तो हमारी कोशिश कार्यकर्ता होने के नाते ये है कि इस भविष्य में योगदान विदिशा लोकसभा का प्रत्येक नागरिक करे और सकारात्मक योगदान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरी बार राज तिलक का, उनको प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के प्रति वो सब योगदान करें और इसी को सुनिश्चित करने हम सब जा रहे हैं। कई योजनाओं का लाभ अभी भी कहीं ना कहीं जनता पीछे रह जाती, पता नहीं पड़ पाता, तो क्या आप युवा मोर्चा के लिए बताएंगे जो जनता तक पहुंचे? युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ऊर्जावान होने के साथ साथ रचनात्मक भी होते हैं। कई अनूठे कार्यक्रमों के माध्यम से पहले भी हमारे यहाँ की युवा मोर्चा के भले चाहे वो जिला का हमारा युवा मोर्चा का संगठन हो चाहे मंडल का हो, उन्होंने पहले भी कई कार्यक्रमों के माध्यम से योजनाओं का लाभ यहाँ की जनता को पहुँचाया है। आने वाले समय में युवा मोर्चा शिक्षा रोजगार इन दोनों विषयों से संबंधित जितनी योजनाएं हैं इसमें अनूठे कार्यक्रम अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से योजनाओं को जनता तक पहुँचाने में काम करेगा और उस काम में एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं भी योगदान करूँगा। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश का चर्चित चेहरा है, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, आप युवा नेता के रूप में किस रूप में देखते हैं, कितने मार्जिन से उनको ये जीतना चाहिए? हम सब ने, कार्यकर्ताओं ने, ये ठाना है कि अब की बार जितने भी हमारे बूथ हैं सभी बूथों पे 90% वोट शेयर का हमने लक्ष्य रखा है और पूरे हर एक विधानसभा कम से कम 1.25 लाख के अंतर से जीते और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का राज तिलक हो और यहाँ से हमारे प्रत्याशी को हम लोग चुनकर भेजें, ये हम सबकी कोशिश रहेगी। उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक विचार के लिए कार्य करती है, मैं भी यहाँ एक विचार के लिए वोट मांगने आया हूँ। हम सबको मिलकर प्रत्येक बूथ स्तर तक पहुँचना है और अधिक से अधिक मतदान भाजपा के पक्ष में करवाना है। युवाओं को संबोधित करते हुए कार्तिकेय सिंह ने कहा कि मैं आपको कुछ सिखाने नहीं आया हूँ, मगर सीखने की कोई उम्र भी नहीं होती। संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर कार्य करना है, आप मुझसे जुड़कर मुझे भी मजबूत करें और स्वयं भी मजबूत हों। हम वासुदा की बात करते हैं, विदिशा लोकसभा की बात करते हैं, उस विचार को स्थापित करना इस देश में कि एक एक व्यक्ति जो इस कमरे में बैठा है एक एक व्यक्ति की व्यक्ति के जिम्मेदारी है। आज मैं उस विचार के लिए आप सबको युवा मोर्चा की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं युवा मोर्चा के अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विदिशा से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेले की रिपोर्ट। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ।